कुत्ता जो विदेश चला गया। पंचतंत्र कहानी। एक नगर में एक कुत्ता अपने साथियों के साथ रहता था। उसका नाम चित्रांग था। सभी कुत्तों का जीवन प्रेम भाव से रहते हुए सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। किंतु एक बार उस नगर में अकाल पड़ गया। खेत खलिहान सूख गए, अन्न जल की कमी हो गई। मनुष्य सहित जीव जंतु भूख प्यास से बीमार होने लगे। इस स्थिति में चित्रांग दूसरे देश चला गया। दूसरे वहां उसे एक धनी स्त्री का घर मिला, जो बहुत लापरवाह थी। प्रायः उसके घर का दरवाजा खुला रहता था और चित्रांग वहां घुसकर विभिन्न प्रकार के पकवान चखकर खाता था। भोजन की उसे वहां कोई समस्या नहीं थी, किंतु जब भी वह भोजन करके उस घर से बाहर निकलता तो गली के अन्य कुत्ते ईर्ष्यावश उस पर हमला कर देते और अपने नुकीले दांतों के वार से उसे घायल कर देते। कुछ दिन तो भोजन के कारण चित्रांग किसी तरह वहां रहा, किंतु अपने ही वंश भाइयों का ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार उसे रास नहीं आया। उसने सोचा कि इससे तो मेरा नगर ही अच्छा है। वहां अकाल अवश्य है, किंतु यहाँ की तरह कोई अपने वंश भाई को काट खाने को तो नहीं दौड़ता। मैं तो अपने नगर वापस जा रहा हूँ। वह अपने नगर लौट आया। उसके आने की सूचना मिलते ही उसके भाई बंधु उससे मिलने पहुंच गए। वे सभी विदेश के बारे में जानने को उत्सुक थे। वे पूछने लगे, भाई हम सभी जानना चाहते हैं कि वह स्थान कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, कैसा भोजन तुम वहाँ खाते थे, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ। चित्रांग बोला, बंधुओं उस नगर के बारे में तुम्हें मैं क्या बताऊँ। वहाँ के लोग बहुत लापरवाह होते हैं, अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं जिससे वहाँ आसानी से भोजन करने का अवसर मिल जाता है। किंतु वहाँ पर अपने वंश के लोग ही एक दूसरे के विरोधी है, वहाँ कोई मिलजुल कर नहीं रहता, इसलिए मैं वापस आ गया। तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है? स्थान वही अच्छा जहाँ लोग मिलजुल कर प्रेम से रहे। सो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा।